हिमाचल के नए सीएम होंगे जयराम ठाकुर। शिमला में बीजेपी विधायक दल की बैठक में लगी मुहर। मंडी के सिराज से पांचवी बार बने हैं विधायक। हिमाचल के सीएम चुने जाने के बाद जयराम ठाकुर ने साधा कांग्रेस पर निशाना। बीजेपी ने हिमाचल को भी किया कांग्रेस मुक्त। सीएम नहीं बन पाने के बाद बोले प्रेम कुमार धूमल, हार का अफसोस है, सीएम पद जाने का नहीं। चार राज्यों में पांच विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। तमिलनाडु की आरके नगर सीट पर टीटीवी दिनाकरन आगे। पश्चिम बंगाल में दिखा ममता का जलवा। अर्थव्यवस्था को लेकर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का मोदी सरकार पर हमला। दबाव बनाकर जीडीपी के आंकड़े बदलवाती है नरेंद्र मोदी सरकार, फर्जी है सब। अरुणाचल प्रदेश की दो सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की जीत। कसांग और लिकाबली सीट पर बीजेपी ने लहराया जीत का परचम। महिलाओं के लिए दंश बने तीन तलाक पर घमासान। संसद में बिल से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आपात बैठक। सदस्य बोले सरकार के बिल में है कई खामियां। चारा घोटाले में लालू को जेल होने पर फूटा तेजस्वी का गुस्सा। बोले कोई सीएम 80 लाख के लिए ऐसा करेगा क्या। बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले में सजा सुनाने वाले जज की लालू को सलाह, जेल में रहकर करे आत्मचिंतन। राज्यसभा के लिए आम आदमी पार्टी के भीतर महाभारत। राज्यसभा के लिए कुमार विश्वास ने की बगावत। दावेदारों के नाम के लिए पॉलिटिकल अफेयर कमेटी कर सकती है बैठक। रामगढ़ से बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा का विवादित बयान। बोले गौ तस्कर यूं ही पीट पीट कर मार डाले जाएंगे। पुंछ के शाहपुर में पाकिस्तान ने आज फिर तोड़ा सीज फायर। कल राजौरी में गोलीबारी में हुए थे चार जवान शहीद। कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला। फर्रुखाबाद में बाबा वीरेंद्र दीक्षित के आश्रम में मिले तहखाने। छुड़ाई गईं कई लड़कियां, हर दिन करता था 10 लड़कियों से रेप। एक बार फिर शर्मसार हुई देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। ओला कैब ड्राइवर और उसके साथी ने किया महिला से रेप। छत्तीसगढ़ को केंद्र से मिली बड़ी सौगात। भारत नेट परियोजना के लिए 1624 करोड़ रुपया मंजूर। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान के झूठ की खुली पोल। रैली में सीएम के जाते ही छीन लिए गए बच्चों से तोहफे। 1 जनवरी से बंद नहीं होंगे 2000 के नए नोट। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है अफवाह, इस पर विश्वास ना करें। मुंबई में श्रीलंका और भारत के बीच आखिरी T20 मैच आज। श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। वाल्मीकि समाज पर कमेंट करने पर शिल्पा शेट्टी ने मांगी माफी। ट्वीट में लिखा मेरे पुराने इंटरव्यू के शब्दों को गलत ढंग से किया गया पेश। और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है टाइगर जिंदा है। दो दिनों में की 69 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई।